तो बात रोहित के बचपन की है। जब रोहित 2 साल का था तो वो हिमाचल अपनी नानी के घर जाया करता था। नानी के घर खेलना, कूदना, बाहर बगीचे में पकड़म पकड़ाई नानी के साथ खेलना और उसके बाद वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलना उसे बहुत पसंद था और वहाँ का वातावरण जो था वो उसको बहुत अच्छा लगता था। रोहित का घर दिल्ली में था, लेकिन जब भी वो नानी के घर से दिल्ली आते थे तब रोहित कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहना शुरू हो जाता था, किसी से बात नहीं करता था और खाना जो है वो भी बहुत कम खाता था। 6 साल बीत जाते हैं और रोहित 8 साल का हो जाता है। नानी अकेली रहती हैं हिमाचल में क्योंकि नाना जी जो हैं वो तकरीबन 3 साल पहले ही गुजर जाते हैं और उसके बाद नानी वहाँ पर बिल्कुल एकदम अकेली रह जाती है। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद जब 8 साल का रोहित होता है तो वो अपने घर वालों से जिद करता है कि मुझे नानी के घर यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए भेजा जाए। नानी के वहाँ अकेले होने की वजह से घर वाले भी सोचते हैं क्यों ना रोहित को हम भेज दें तो रोहित को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और इसका मूड फ्रेश भी हो जाएगा। तो रोहित जो है वो अपना सामान पैक करता है, अपनी सारी चीज़ें पैक करके हिमाचल की ओर निकलने की पूरी तैयारी करता है। उसके घर वाले उसको नानी के घर ले जाते हैं, वहाँ पर छोड़ते हैं, नानी से कहीं ना कहीं मुलाकात करते हैं और नानी उसकी एकदम उस टाइम पर फिट होती हैं। कोई भी नानी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो नानी के पास जब रोहित पहुंचता है तो एकदम से वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को देख के मुस्कुराहट आ जाती है, किसी चीज़ को देख के एकदम चेहरा लाल हो जाता है। तो रोहित का भी जो है वो इसी तरीके से उसका भी चेहरा जो है वो खुशी से झूम उठा, नानी को देखकर एकदम खुश हो गया। तो एक दिन बीतता है अच्छे से, रोहित की नानी के घर पे रोहित के मामा और उसके पापा वहाँ पर एक दिन गुजारते हैं और अगले दिन ही वो बस पकड़ कर दिल्ली वापस आ जाते हैं और रोहित अपनी नानी के पास रुक जाता है। फिर वही बच्चों के साथ खेलना कूदना और नानी के साथ मजाक मस्ती, नानी के साथ बगीचे तक जाना, पानी भरना, घास काटना, लकड़ी काटना, रोहित ये सब करता रहा। और कुछ दिन बाद अचानक से पता चलता है कि गांव में ना एक बाघ आ गया है और जैसे ही वो बाघ आता है तो कुछ परिवार जो है वो अपना घर वहां से खाली कर कर पहाड़ी के ऊपर जाकर वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। वहीं रोहित की जो नानी है वो वहीं पर रुकना पसंद करती है। और जब ये घर खाली किए जा रहे थे तब रोहित उन्हीं बच्चों के साथ था और वो भी पहाड़ी पर जहाँ पर उन्होंने नया घर अपना बनाया, जहाँ पर उन्होंने नए घर पे शिफ्ट किए, रोहित भी उनके साथ वहीं पर चला गया। छोटा सा था लेकिन छोटे से बच्चों को पहाड़ की नॉलेज जो है वो बहुत होती है। तो रोहित के साथ एक जो 15 साल का बच्चा था जो उसके साथ रहता था वो रोहित को वापस नानी के घर पर छोड़ने आया। जब उसने नानी को देखा कि वो चूल्हे में आग लगाने की कोशिश कर रही है तो उस 15 साल के बच्चे ने रोहित को वहीं पर छोड़ा और वो वापस अपने घर की ओर चला गया। और नानी ने खास तौर पर रोहित को मना कर दिया कि अब से तुम बाहर नहीं जाओगे और बिल्कुल भी इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखोगे। रोहित समझ चुका था कि ये जंगली जानवर की वजह से नानी मुझे ये बोल रही है, वरना नानी मुझे ऐसा बाहर जाने से कभी नहीं रोकती है। एक दिन जब सुबह रोहित सोकर उठता है तो वो नानी को जगाने के लिए उनको हिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी नानी आंखें नहीं खोलती। रोहित घबरा जाता है और भागकर पानी लेने जाता है। जैसे ही वो पानी लेके वापस आता है तो देखता है उसकी नानी बिस्तर पर है ही नहीं और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, नानी 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 कहाँ हो, नानी कहाँ हो। और अचानक से नानी बाथरूम से बाहर निकलती हैं और रोहित को सांस में सांस आते हैं। शाम बीत जाती है, दोपहर का खाना हो जाता है, रोहित अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और वहीं वो नानी की तरफ जब जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है नानी एक कोने में चौकड़ी मारकर बैठी हुई है और सर को एकदम नीचे इस तरीके से कर रखा है।
और रोहित नानी को बुलाने की कोशिश करता है कि नानी नानी मेरे साथ खेलिए, नानी मेरे साथ खेलिए, लेकिन नानी कोई जवाब नहीं देती। अचानक से नानी की आवाज आती है, दूसरे रूम में जाओ, और रोहित घबरा जाता है। और जैसे ही नानी की आवाज रोहित सुनता है तो वो फटाफट दौड़ लगा के दूसरे रूम की ओर चला जाता है। कुछ देर दूसरे रूम पे समय बिताने के बाद रोहित वापस नानी की तरफ जाता है और देखता है नानी वहां पर मौजूद नहीं है। एक कमरे की परछाई पे रोहित को उसकी नानी नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो उस तरफ अपना मुंह मोड़ता है तो उसको दिखता है नानी वहां पर है ही नहीं। अचानक से जंगल से चिल्लाने की आवाज आती है, उसकी नानी का नाम जो कि रानी देवी था। रानी देवी चिल्लाते हुए लोग जो हैं उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं, और जब उसके घर पर वो लोग पहुंचते हैं तो रोहित एकदम घबरा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नानी का बर्ताव उसकी तरफ था उसकी वजह से भी वो घबराया हुआ था। लेकिन जब लोग रोहित के पास पहुंचते हैं और उसकी नानी का दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं और वो देखते हैं कि घर पर रोहित अकेला है और रो रहा है, तो वो दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर घुसते हैं तो रोहित देखता है कि एक बिस्तर में लपेटी हुई उसकी नानी की लाश होती है। और रोहित एकदम तंग रह जाता है कि जिस नानी के साथ वो दो दिन से रह रहा था आखिर वो कौन था, क्योंकि लोग जिसकी लाश को लेके आ रहे होते हैं वो उसकी नानी की ही लाश होती है, जिसको वही बाघ जो कि जंगल में आया था वो खा चुका होता है। तो अपने पोते को बचाने के लिए वो आत्मा कह लो या नानी का स्वरूप कह लो, वो वहाँ पर उस घर पर रहा ताकि वो अपने पोते को जो है वो किसी भी खतरे से बचा सके। तो ये कहानी हमें भेजी थी गौरव ने जीमेल के थ्रू। आप sanjeevangral57@gmail.com पर इस तरीके की रियल स्टोरीज जो हैं वो भेज सकते हैं, और हम आपकी स्टोरीज जो हैं वो दुनिया तक पहुंचाएंगे और नरेट करेंगे। आप देखते रहिए इसी तरीके से हम लोगों को। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।